हीरो मोटर कॉर्प ने आखिर अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा वीमन लॉन्च कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया निर्माता के नवीनतम ई स्कूटर में दिलचस्प बिट्स और इसके बारे में सभी विवरण हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडा वी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर दो ट्रिम्स V1 प्लस और V1 प्रो में उपलब्ध होगा। इसमें प्लस वेरिएंट की रेंज 143 किलोमीटर और प्रो मॉडल के लिए 165 किलोमीटर की संयुक्त रेंज के साथ रिमूवेबल बैटरी भी मिलती है। हीरो मोटर कॉर्प ने कहा, दोनों ट्रिम्स की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। V1 प्लस 3.4 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि प्रो मॉडल 3.2 सेकंड में इसे पूरा कर लेता है। फीचर्स के बारे में बात करें तो वीडा V1 में LED इल्यूमिनेशन, 7 इंच TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले और काफ़ी सारे राइड मोड्स, इको राइड मोड्स, स्पोर्ट और कस्टम राइड मोड्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, टू वे थ्रॉटल, किलेस कंट्रोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और SOS अलर्ट के रूप में मिलता भी है। इसमें स्प्लिट सीट सेटअप, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक, सिंगल रियर शॉक और सिंगल डिस्क ब्रेक सेटअप भी मिलता है। कुल मिलाकर स्कूटर काफ़ी न्यू और काफ़ी दमदार भी दिखता है। कम से कम कहने के लिए तो ये हो ही सकता है। वीडा V1 प्लस की कीमत 1.4 लाख रुपये रखी गई है, जबकि वीडा V1 प्रो की कीमत 1.59 लाख रुपये रखी गई है। हीरो वीडा व V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 16 से 18 महीनों के बीच लीज विकल्प और बायबैक भी ऑफर दे रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें।